हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। आज हम विश्व इतिहास का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो है जर्मनी का एकीकरण। इससे रिलेटेड टॉप 25 एमसीक्यूज आज की वीडियो में देखेंगे। ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, कि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर जर्मनी का एकीकरण टॉपिक होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया है। देखिए, अब बिस्मार्क कौन थे? तो बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर और यूरोप के प्रभावी नेता थे। ठीक है, जर्मन के प्रथम चांसलर और यूरोप के प्रभावी राजनेता थे। कौन? बिस्मार्क। देखिए, बिस्मार्क जो थे, इन्हें एक और नाम से ये प्रसिद्ध थे, इन्हें ऑटो फॉन बिस्मार्क भी कहा जाता है। ऑटो फॉन बिस्मार्क के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। देखिए, ये जो थे, ये रियल पॉलिटिक की नीति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, यही कारण था कि इन्हें लौह चांसलर के उपनाम से भी जाना जाता था। आपसे अगर पूछा जाए कि लौह चांसलर के उपनाम से कौन जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मार्क। अगर आपसे पूछा जाए ऑटो फॉन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वो भी है बिस्मार्क, जो जर्मन के प्रथम चांसलर थे और जिनकी वजह से जर्मनी का एकीकरण हो पाया है। नेक्स्ट, प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा बी, बिस्मार्क। देखिए, बिस्मार्क कौन थे? प्रथम चांसलर थे। उस टाइम पे प्रशा के शासक कौन थे? तो वो थे विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था कौन? बिस्मार्क। आपको ये याद रखना है, क्योंकि बिस्मार्क का नाम जहाँ भी पूछा जाता है वहाँ विलियम प्रथम का नाम ज़रूर आता है, तो आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें प्रशा की, तो देखिए, जो प्रशा है वो उत्तरी यूरोप का एक जर्मन ऐतिहासिक राज्य हुआ करता था, प्रशा। ठीक है, जर्मन ऐतिहासिक राज्य था प्रशा, और प्रशा राज्य में वर्तमान समय के जर्मनी, पोलैंड, रशिया, लिथुआनिया, डेनमार्क, बेल्जियम और चेक गणराज्य के भाग सम्मिलित थे। ये सब सम्मिलित रूप से क्या कहलाते थे? प्रशा कहलाते थे। नेक्स्ट, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अभी हमने देखा सही आंसर है सी, प्रशा। ठीक है, प्रशा में कौन कौन शामिल थे? जर्मनी, पोलैंड, रशिया, लिथुआनिया, डेनमार्क, बेल्जियम और चेक गणराज्य, इन सभी के भाग सम्मिलित थे। ये उत्तरी यूरोप का एक जर्मन ऐतिहासिक राज्य था और जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य हम किसे कहेंगे? प्रशा को। नेक्स्ट, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, प्रशा। ठीक है, जो बिस्मार्क था, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करा है और ये जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहता था। प्रशा जो था वो सबसे शक्तिशाली राज्य था जर्मनी का, और ये नेतृत्व में किसके? प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण चाहता था कौन? बिस्मार्क। नेक्स्ट, विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी, 8 फरवरी 1871 में विलियम प्रथम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज पहनाया गया। ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए, जो 8 फरवरी है, कहीं कहीं आपको ये 18 फरवरी भी मिलेगा कि किस दिन राज्य अभिषेक हुआ है, तो कहीं पर 18 फरवरी है, कहीं पर 8 फरवरी है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये दोनों डेट एक साथ आपको नहीं दी जाएगी, इनमें से कोई एक ही डेट होगी और वही सही आंसर होगा। नेक्स्ट, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? तो ये फ्रांस के महान सेनापति थे, और आपने इनके बारे में सुना होगा। ये पूछा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का नाम किस देश के साथ जोड़ा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा फ्रांस, ये फ्रांस के महान सेनापति थे। नेक्स्ट,
जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कई बार ये पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको इसे याद रखना है। सही आंसर इसका हो जाएगा बी, फ्रेडरिक लिस्ट। ठीक है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना गया है। फ्रेडरिक एक जर्मन अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय प्रणाली को विकसित किया था, तो इन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट, जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किसके नाम से जाना जाता था? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, डायट के नाम से। ठीक है, जो जर्मनी राष्ट्रीय सभा है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे डायट के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, जर्मनी राष्ट्रीय सभा किसमें होती थी, मतलब कहाँ पर होती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फ्रैंकफर्ट में। देखिए जो फ्रैंकफर्ट है ये जर्मनी की एक सिटी है, और इसी फ्रैंकफर्ट में जर्मनी राष्ट्रीय सभा, जो राष्ट्रीय सभा होती थी वो कहाँ होती थी? फ्रैंकफर्ट में होती थी। नेक्स्ट, 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए आपको याद रखना है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर है बी, ऑस्ट्रिया का। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, मेटरनिक। देखिए जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जब आपको भी मैंने बताया कि कितने समय तक 1815 से 1850 तक जर्मनी पर जर्मनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट आधिपत्य रहा है, या जर्मन साम्राज्य पर जिसका आधिपत्य रहा है, वो कौन था? ऑस्ट्रिया का रहा था। तो ऑस्ट्रिया का उस टाइम पे चांसलर कौन है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेटरनिक। ठीक है, आपको याद रखना है मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। इसका जो पूरा नाम था वो था काउंट क्लीमेंट मेटरनिक, इसका पूरा नाम था। और इनका जन्म हुआ था 1773 में, ऑस्ट्रिया में ही इनका जन्म हुआ था, और इन्हें ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया गया था 1809 में। 1809 में इन्हें ऑस्ट्रिया का चांसलर बनाया गया था। नेक्स्ट, एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में किन दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, एकीकृत मतलब जब जर्मन का एकीकरण हुआ उस टाइम पर कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो सही आंसर ये सभी है, राके, बोमर, लसर, ये सभी दार्शनिक हैं जिन्होंने जर्मन को एकीकृत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है ए, मई 1848 में फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन किया गया था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा के रक्षा मंत्री कौन थे, ये भी पूछा गया एग्जाम में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर है ए, वान रुन। ठीक है, आपको नाम याद रखना है वान रुन। जब विलियम प्रथम का शासनकाल चल रहा था तब प्रशा के रक्षा मंत्री के रूप में कौन थे? वान रुन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 23 सितंबर 1862 ईस्वी को प्रशा का चांसलर कौन बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिस्मार्क। ठीक है, आपको याद रखना है प्रशा का चांसलर कौन बना था 23 सितंबर 1862 को, तो सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। नेक्स्ट, बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडनबर्ग में बिस्मार्क का जन्म हुआ था। देखिए इनसे इनके जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ये भी अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? देखिए किसने क्या कहा, या कोई किसी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा? सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ए, विलियम प्रथम ने। ठीक है, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। नेक्स्ट,
किस युद्ध में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सेरेजोबा के युद्ध में जो 1866 में हुआ था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट, 23 अगस्त 1866 ईस्वी में किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर है ए, प्राग संधि। 23 अगस्त कब हुई है ये प्राग संधि? तो 23 अगस्त 1866, ठीक है, एक संधि हुई जिसका नाम है प्राग संधि, और इसके तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट, फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेडान का युद्ध, ये आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा ए, 1 सितंबर 1870 को हुआ था फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध। देखिए ये वह लड़ाई थी जिसमें फ्रांस और प्रशा के युद्ध में जीत और हार का फैसला हो गया था, ठीक है, जीत और हार का फैसला, मतलब फ्रांस और प्रशा के युद्ध में जीत और हार का फैसला कौन से युद्ध से हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा सेडान के युद्ध से। देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें जो नेपोलियन तृतीय था उन्हें बंदी बना लिया गया था, और उन्होंने 1 लाख सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था, और प्रशा और उनके सहयोगियों की जीत हो गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट युद्ध है सेडान का युद्ध, जो कब हुआ है, 1 सितंबर 1870 को हुआ है, तो इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे कब आत्मसमर्पण किया? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ए, 1 सितंबर 1870। आपको पता है कि 1 सितंबर 1870 को ही सेडान का युद्ध या सुडान का युद्ध हुआ है, जिसमें क्या हुआ था, नेपोलियन तृतीय और उसकी 1 लाख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था प्रशा के आगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ये डेट याद रखना है। नेक्स्ट, बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्य अभिषेक कहाँ किया? बिस्मार्क ने किया था, देखिए जो जर्मनी के सम्राट थे विलियम प्रथम का राज्य अभिषेक तो कहाँ किया था? सही आंसर हो जाएगा ए, वर्साय के राजमहल में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सम्राट विलियम प्रथम का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ? वर्साय के राजमहल में हुआ, और किसने किया? तो बिस्मार्क ने ये राज्य अभिषेक किया था। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को किसके बीच हुई? ये भी बहुत ज़्यादा है, फ्रैंकफर्ट की संधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट संधि है। अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को खोलकर देखें तो कुछ संधियां हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के नज़रिए से बार बार पूछी जाती है, यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही एक संधि है फ्रैंकफर्ट की संधि, जो हुई थी 10 मई 1871 को। अब ये किसके बीच हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस और प्रशा के बीच ये संधि हुई थी। आपको ये याद रखना है, फ्रांस और प्रशा के बीच एक संधि हुई है, ये एक शांति संधि थी, ठीक है, ये एक शांति संधि थी। इसके बाद युद्ध विराम लग गया था संधि के बाद, जो कब हुई है, 10 मई 1871 को। नेक्स्ट, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का सेनापति कौन थे? प्रशा के सेनापति कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा बी, वानर माल्टेक। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का सेनापति था, रक्षा मंत्री कौन थे, वानरुन थे, और प्रशा के सेनापति कौन थे, तो वानर माल्टेक थे। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद संभव हो सका? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर है बी, सुडान के युद्ध के बाद, सुडान या सेडान का युद्ध जिसे हम कहते हैं, उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण हो पाया था। देखिए जो एकीकृत जर्मनी, यूरोप का सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राज्य बन गया था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो बिस्मार्क ने निभाई थी, और बिस्मार्क ना केवल जर्मनी का बल्कि यूरोप का एक प्रभावशाली राजनीतिज्ञ बन गए थे उस टाइम पर, और यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मनी का उदय हुआ था। एक नई जर्मनी जो कैसी थी, एकीकृत थी, ठीक है, एक एकीकृत जर्मनी का उदय हुआ था यूरोप के नक्शे में, और इसकी राजधानी तब क्या हो गई थी, बर्लिन, ठीक है, तब इसकी राजधानी क्या हो गई थी,
बर्लिन, ये आपको पूरा याद रखना है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपने अगर वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके, हमारे वीडियो को लाइक करके, शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ मैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।